आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन बोला फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू 21 टर्म्स। अब ये मैंने एपी क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं देखूं T2 minus T1 that is 1.2 minus 1 which is 0.2, ठीक है, T3 minus T2 equal to 1.4 minus 1.2 which is 0.2, hence हर दो consecutive terms के बीच का difference हमारा same आ रहा है, that is a common difference, hence ये AP represent कर रहा है। And sum of n terms of an AP हमें पता होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, ठीक है, ये sum of n terms होता है। Therefore S21 हमारे पास क्या आएगा, n को मैंने डाला 21, ठीक है। यहाँ पे a क्या होता है, a is the first term जो कि हमें यहाँ पे क्या given है 1, d क्या है कॉमन डिफरेंस जो कि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, वो हमने क्या निकाला है 0.2, एंड n हमारा क्या है नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 21। तो 21 by 2 into 2 times a, 2 times 1 plus n दैट इज 21 minus 1 into 0.2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये क्या है 21 by 2 into 2 plus 20 into 0.2, तो 2 कैंसिल आउट हुआ, दिस इज 1, दिस इज 10, ठीक है। तो ये क्या हुआ 21 into 1 plus 10 into 0.2, तो हमारे पास क्या है बेसिकली 2, ठीक है, क्योंकि 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 by 10 and this multiplied by 10, ठीक है, हमें 10 into 0.2, 10 into 0.2 वैल्यू निकालनी थी, तो 2 by 10 into 10 ये कैंसिल आउट हुआ, ये क्या आ गया 2, बेसिकली हमारे पास क्या है 2 plus 1 3 into 21, therefore sum of 21 terms हमारे पास क्या आ गया 21 into 3 that is 63। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।